आइए अब देश और दुनिया की कुछ दूसरी बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। सीबीआई ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन से उनके चेन्नई स्थित घर पर 300 से अधिक हाई स्पीड टेलीफोन लाइनें कथित तौर पर लगाए जाने के मामले में आज पूछताछ शुरू कर दी। कोर्ट ने मारन को हिरासत में लेने की सीबीआई की मांग ठुकराते हुए पूर्व मंत्री को 6 दिनों तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक सवालों के जवाब देने के लिए एजेंसी के सामने पेश होने का आदेश दिया था। आरोप है कि मारन के घर पर 300 से अधिक हाई स्पीड टेलीफोन लाइनें मुहैया कराई गईं और उनका विस्तार उनके भाई कलानिधि मारन के सन टीवी चैनल तक किया गया ताकि इसकी अपलिंकिंग हो सके। ये सब कुछ 2004 से 7 के दौरान किया गया जब मारन दूर संचार मंत्री थे। भारतीय अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ने लगी है। वित्त वर्ष 2015-16 की दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 7.4% हो गई है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 7.1% थी। जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2015-16 में देश के कृषि क्षेत्र की ग्रोथ 1.9% से बढ़कर 2.2% रही। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 7.2% से बढ़कर 9.3% पर पहुंच गई। आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2015-16 की दूसरी तिमाही में फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विस की ग्रोथ बढ़कर 9.7% पर आ गई है। निश्चित रूप से ये आंकड़े मोदी सरकार के लिए राहत भरे हैं। मुंबई के सिनेमा हॉल में एक परिवार राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा नहीं हुआ तो लोगों ने उसे हॉल से बाहर निकाल दिया। वाकया कुर्ला के पीवीआर का है। परिवार के खड़ा नहीं होने पर दर्शकों ने ही बाहर का रास्ता दिखाया और जब परिवार चला गया तो सब ने तालियां बजाकर खुशी का इजहार भी किया। इससे पहले दोनों पक्षों में बहस भी हुई। हालांकि दोनों तरफ से किसी ने इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन किसी एक दर्शक ने वीडियो बना ली और पूरा मामला बाहर आ गया। हैरान करने वाले हादसे के एक वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों जोरदार बहस छिड़ी है। खबरों के मुताबिक वीडियो मध्य चीन का है और इसमें 3 गाड़ियां अचानक हवा में लहराती दिख रही हैं। आप भी अपने स्क्रीन पर देखिए। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद ये बहस छिड़ गई कि आखिर गाड़ियां हवा में उड़ी कैसे। किसी ने इसे चमत्कार बताया तो किसी ने कुछ और, लेकिन हकीकत यह है कि इस हादसे के पीछे एक तार है जो दिखाई नहीं दे रहा। चौराहे पर सबसे आगे खड़ा ट्रक एक तार में उलझकर हवा में झूलने लगा। इसके बाद दूसरी कारें भी तार में फंस गईं। जहाँ तक याद याद आती रहेगी।